वहीं इस तीज सेलिब्रेशन को अगर कोई होस्ट कर रहा है तो वो है अरमान की दादी और अरमान की मम्मी यानी कि दादीसा और विद्या, जो आज तीज के रंग में रंगी हुई हैं और जिन्हें ये शूटिंग करने में काफी मजा आ रहा है। सो तीज का त्यौहार मैंने रखा था और यूजली सिंधी में रखा जाता है तीज का त्यौहार, आई थिंक सो, नहीं आई नो इट बिकॉज आई मैरिड अ सिंधी, तो मैंने रखा था तीज का त्यौहार। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक करवा चौथ ओनली इट इज़, और द थिंग इन तीज इज़ कि आप जिसकी पूजा करते हैं, जैसे आप पानी डालिए, चाय पत्ती डालिए, कॉफ़ी डालिए, जो भी आपको पीना है उसमें डालिए और उसको तुलसी में चढ़ा दीजिए, तो आप खाना नहीं खा सकते बट यू कैन हैव पानी, कॉफ़ी, चाय, फ्रूट रोटी, नो अन, सिर्फ लिक्विड। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स लाइक करवा चौथ, आप अपने हस्बैंड के लिए रखती हैं और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे देखो कैसे सजे हैं तीज के लिए, हमारी अभीरा भी सजी है, अरमान भी सजा। जैसा कि आप जानते हो कि त्योहारों का एक अलग ही महत्व होता है हमारे हिंदुस्तान में और हर त्यौहार जो है वो कोई ना कोई मायने रखता है, तो ये भी तीज का त्यौहार भी है वो भी मायने रखता है, स्पेशली फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ। जैसा मासा ने कहा दैट ये करवा चौथ की तरह ही होता है, तो यहाँ पर भी जैसे पार्वती जी ने शिव जी के लिए व्रत रखा था, उनकी पूजा की थी, तो उसी तरह से पति और पत्नी यहाँ पर भी हमारे जो सारी जोड़ियाँ आप देख रहे हैं वो फास्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए पूजा भी कर रहे हैं, जैसे शिव जी ने किया, जैसे पार्वती ने शिव जी के लिए की थी, और उनका जो प्रेम जो है वो अभी तक अमर है, अभी तक उसकी मिसालें दी जाती हैं, तो उसी तरह से आप उनकी पूजा करेंगे तो ऐसे ही आपका प्यार भी, पति पत्नी का प्यार भी बढ़ेगा, तो ये महत्व है उसका। और यहाँ पर सारे जो पत्नियाँ होती हैं उनको जैसे तीज में जिमते हैं कन्याओं को, तो ऐसे यहाँ पर श्रृंगार की चीज़ें दी जाती है, जैसे श्रृंगार की पेटी कहा जाता है जिसमें मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, कजरा और आईना, कंगी, सिंदूर, ये सब रखा जाता है और भेंट किया जाता है, जो सास होती है वो अपनी बहू को देती है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमने वो भी करा है। और झूला झूले हैं वो सबसे बड़ा महत्व है उसका, मुझे जो अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि तीज में झूला झूले, हाँ सावन तो वो क्योंकि वो सावन के उत्सव समय में भी आता है, तो इसीलिए ऑफकोर्स ये करती है मासा के साथ, क्योंकि वो पोदार खानदान की रिचुअल है। और यहाँ पर मैं बहुत सुंदर सा गहना जो है, एक जो जेवर, बहुत पुश्तैनी जेवर जो हमारे खानदानी चलता आ रहा है, जो मासा की सास ने उन्हें दिया होगा, जो मासा मुझे दिया है और अब मैं जाकर उसे अभीरा को दे रही हूँ, तो वो भी हमने रिचुअल किया। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी मुझे मिल गई है, उसको लगा कि सास नहीं मुझे मेरी माँ मिल गई है, तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। अलग अलग किस्म की कॉम्पिटिशन्स बच्चों के साथ यहाँ खेल रहे हैं, जोड़ियों के साथ, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, नोक झोंक, ये सब मज़े आ रहे हैं, तो हम बेसिकली तीज का आनंद उठा रहे हैं सब लोग। और मासा और विद्या जो है वो होस्ट कर रहे हैं, पोदार खानदान होस्ट कर रहा है और हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है और हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे खानदान को। सो वंडरफुल, यस। तो आप आई थिंक ये जो पूरा जो माहौल है, जो पूरे ये जो फेस्टिविटीज़ जो आप देखने को मिलेगा, हमारे दर्शक को देखने को मिलेगी, वो उनको बड़ी ही अद्भुत और मज़ेदार लगेगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो भाई इस खेल के होस्ट हैं दादीसा और विद्या, जो सभी जोड़ियों से अनोखे खेल खिलवा रही हैं। आज तो अभीरा और दादीसा की ये जुगलबंदी भी देखने लायक है, तभी तो आज दादीसा बन गई है अभीरा और अभीरा बन गई है दादीसा और चल रहा है इनका खेल। तुमने अच्छा काम किया। yes.
लेकिन तेरे तक किसी तुमसे आज ही डॉक्टर होगा। जोड़ियां हैं तो कुकिंग तो होना बनता है ना, तभी तो ये जोड़ियां जुट गई हैं कुकिंग करने के लिए। अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर देखिए कैसे सभी जोड़ियाँ कर रही हैं अपना अनोखा डांस एक दूसरे को चिढ़ाने वाला। मेलोडी है कमाल, जहाँ दादी सा भी इस डांस में हो गई हैं शामिल तो वहीं जोड़ियाँ भी एक दूसरे को छेड़ रही हैं।
लाते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।